सो वेलकम टू द स्क्रीन बॉयज, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। मैं अब स्क्रीनशॉट लूँगा वीडियो से थंबनेल बनाने के लिए। तो मैंने पहले ही से एक वीडियो बनाई है, हाउ सिक्योर माई पासवर्ड इज़। तो उस वीडियो के लिए मैं थंबनेल बनाऊँगा। तो आपके सामने मैं वो वीडियो ओपन करता हूँ। सो दिस इज़ द वीडियो। यहाँ पर जिस जगह से मैं स्क्रीनशॉट लूँगा वो मेरा थंबनेल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, किसी भी जगह से ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा ताकि थंबनेल यहाँ से बन जाए इस वीडियो के लिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा अपने आपके पीसी में, ग्रीन शॉट। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई में, आई बटन में आपको शो हो गया होगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह उससे स्क्रीन शॉट हम ले सकते हैं। तो मैं अब स्क्रीन शॉट लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ली एंड सेव एस। डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ। मुझे पीएनजी नहीं चाहिए, मुझे जेपीजी फाइल चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट नेम इज़ थंबनेल। सो ये थंबनेल स्क्रीनशॉट मैंने सेव की है। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थंबनेल मैंने बनाया है। अब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ इस थंबनेल को बनाने के लिए वो है एडोब प्रीमियर, सॉरी एडोब फोटोशॉप सीसी। 64-bit वर्जन है मेरे पास, मैं ओपन करता हूँ। सो लेट्स ओपन दिस वन। तो मैं वो स्क्रीनशॉट ओपन करता हूँ जो मैंने ली थी। डेस्कटॉप पे सेव है, थंबनेल पे सेव थी। ओपन करता हूँ मैं यहाँ से। सो ये मेरा जो, सॉरी गाइस, मैं रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना होगा, या फाइल न्यू से भी आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, न्यू थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। उसकी जो पिक्सेल्स होगी, विड्थ 1280 होगा और हाइट 720 होगा, क्योंकि यूट्यूब के थंबनेल के लिए ये बेस्ट साइज है, रिकमेंडेड साइज है। ओके, सो आई हैव ओपन द न्यू थंबनेल, न्यू पेज, वाइट पेज। सो मैं यहाँ पर वो थंबनेल ड्रैग करता हूँ। आई हैव ड्रैग द थंबनेल। तो मैं इस साइज़ के मुताबिक बनाऊंगा ताकि उसमें फिक्स्ड आ जाए यूट्यूब में। एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर मुझे एक पिक्चर चाहिए होगा, मेरा जो पिक्चर होगा, मेरे पास पिक्चर पहले ही से सेव है। और ये जो पिक्चर है इसके जो बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये पिक्चर मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, मैंने ड्रैग की है। इस पिक्चर को मैं अब यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ये वाला पिक्चर चाहिए, इसकी साइज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं ज़्यादा भी कर देता हूँ और मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ। ये जो लेयर है, ये लेयर इस फोटो का है। यहाँ पर मुझे स्ट्रोक चाहिए, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो यहाँ से मुझे स्ट्रोक चाहिए, मैंने स्ट्रोक पर क्लिक किया। सो स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं, सॉरी यहाँ पर अब मैंने फिर क्लिक किया, स्ट्रोक है, यहाँ पर कलर से मैं डिफरेंट कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इफ आई वांट दिस वन, दिस वन, दिस वन, कोई भी मुझे पसंद हो मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मुझे स्ट्रोक की साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। स्ट्रोक की साइज़ मैंने बनाई और ओके करता हूँ। अब मेरा जो थंबनेल है वो रेडी है। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स मुझे चाहिए, या टिक मार्क या ऑथोराइज या कुछ और चाहिए, तो मैं गूगल से भी डाउनलोड कर सकता हूँ नॉन कॉपीराइट इमेजेस। मैं आपके सामने गूगल ओपन करता हूँ।
दिस इज़ गूगल डॉट कॉम। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इमेजेस पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे टिक मार्क चाहिए, टिक टिक मार्क। ओके ये टिक मार्क है, लेकिन ये जो इमेजेस है ये सारे नॉन कॉपीराइट नहीं है। यहाँ पर आप अगर ये इमेजेस यूज़ करते हैं तो आप पर स्ट्राइक आ सकता है, आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है। तो यहाँ पर आप टूल्स पर क्लिक करेंगे, यूजेज राइट्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट योर कॉमन लाइसेंसेस। ओके तो ये जो पिक्चर्स है आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले पिक्चर मुझे चाहिए या ये वाले चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव एस डेस्कटॉप करता हूँ, सेव। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी जगह पर मुझे टिक मार्क चाहिए तो मैं यहाँ पर ये पिक्चर मैंने ड्रैग किया। आप उस वीडियो के ज़रिए से इस पिक्चर का ये जो मैंने डाउनलोड किया है अभी इस इमेज का भी ये बैकग्राउंड वाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आप फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर वैसे ही इसे छोड़ देता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल इतना साइज चाहिए, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये थंबनेल मेरे लिए बन गई है। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पर मुझे थंबनेल चाहिए व्हाट्सएप के लिए, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप क्लिक करता हूँ, व्हाट्सएप टाइप करता हूँ, टूल्स क्लिक करता हूँ, उसके बाद यूजेज राइट्स और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। तो व्हाट्सएप के लिए भी आप ये इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल में। फॉर एग्जांपल आई वांट फॉर फेसबुक, तो मैं फिर टूल्स यूजेज राइट्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, सो दीज आर द पिक्चर्स विच इज़ नॉन कॉपीराइट, यू कैन यूज़ इन योर वीडियोज़, इन योर थंबनेल्स एंड एनी अदर प्लेसेस वी आर रिक्वायर्ड नॉन कॉपीराइट इमेजेस। ओके बॉयज, सो दिस इज़ द वे। अब मैं ये वाला जो थंबनेल मैंने बनाया है मैं ये सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, आपको मैं ये भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव ओ फाइल, सेव एस, एंड मुझे जो फाइल टाइप चाहिए मुझे चाहिए जेपीजी वर्जन, दिस इज़ द जेपीजी, एंड आई सेलेक्टेड डेस्कटॉप एंड सेव। ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस ओके। So this is the thumbnail which I have created right now. Now I can use this thumbnail on my video. So thanks for watching, boys. Support me by like the video, comment if you have something wrong, share the video with your friends that they can learn something, and subscribe the channel to explore my channel to the world.